कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। कई देशों ने इसके टेस्ट के लिए किट्स भी बना ली हैं और इन देशों में भारत भी शामिल है। कैसे होती है ये टेस्टिंग और कैसे ये किट्स काम करती है और क्या भारत के पास इनफ टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। ICMR के डेटा के अनुसार देश में फिलहाल एक दिन में 42,418 टेस्ट करने की क्षमता है। अगर दिन में सिर्फ 9 घंटे काम किया जाता है तो अगर दो शिफ्ट में काम करें तो 78,227 टेस्ट एक दिन में कर सकते हैं। भारत में 16 अप्रैल से आने वाले 8 हफ्तों तक के लिए टेस्ट करने के लिए किट्स मौजूद है। हम अगर 9 घंटा काम करते हैं, जैसे एक शिफ्ट में करते हैं, तो हमारी अभी जो लैब की कैपेसिटी है वो 42,418 है और अगर हम उसको बढ़ा के दो शिफ्ट में कर दें तो 78,227 लोगों की टेस्ट हम हर दिन कर सकते हैं। कोरोना की जांच कई अलग अलग तरीकों से हो सकती है और ये जांच सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की जाती है जिनमें कोरोना के बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ एक्सेट्रा। पहले बात करते हैं स्वैब टेस्ट की। अब इसमें क्या होता है, ICMR के अकॉर्डिंग जिन लोगों में डाउट होता है कि इनमें कोरोना का संक्रमण हो सकता है तो उन लोगों को टेस्ट के लिए लाया जाता है। उसके बाद उनके गले और नाक में से कॉटन की हेल्प से सैंपल लिया जाता है। अब गले और नाक से ही क्यों लिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस जो सक्रिय होता है वो सबसे ज़्यादा गले और नाक में ही सक्रिय होता है। जब एक बार यहाँ से सैंपल ले लिया जाता है, यानी कि गले और नाक से, उसके बाद इस सैंपल को एक केमिकल में मिलाया जाता है, जिसके बाद जो कोशिकाएँ होती हैं वो वायरस से अलग हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जिसका हमने टेस्ट किया है उसे कोई और वायरस की बीमारी भी हो सकती है। तो इस लेवल पे जो ये वायरस अब पाए गए हैं रिसर्च टेस्ट करने के बाद, इनको कंपेयर किया जाता है कोरोना वायरस से और अगर इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं तो फिर ये पुष्टि हो जाती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है और इसकी अब आगे जाँच की जाएगी। अगला है नसाल एस्पिरेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें नाक में एक स्पेसिफिक रसायन डालकर नाक से सैंपल लिया जाता है, उसके बाद इस सैंपल की आगे जांच की जाती है बाकी केमिकल्स वगैरह की मदद से। अगला है ट्रेशल एस्पिरेट। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए अभी तक के रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है फेफड़ों में। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि ब्रोंकोस्कोप नाम की एक ट्यूब होती है, उसे फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है, उसके बाद इस ट्यूब की मदद से वहाँ से सैंपल लिया जाता है। उसके बाद जो ये सैंपल हमने उस ट्यूब की मदद से निकाला है उसे एक पर्टिकुलर केमिकल से मिलाकर टेस्ट किया जाता है और आगे पता लगाया जाता है कि आदमी के फेफड़ों तक कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका है या फिर नहीं। आपको पता है ब्लड टेस्ट से भी कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि जो भी व्यक्ति है जिसमें डाउट है कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है, उनके ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है, उसके बाद इस सैंपल में ऑक्सीजन जैसी बेसिक जो डिटेल्स होती हैं इसके बारे में स्टडी किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं और अगर है तो कितना है। आपने आजकल न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि इतनी रैपिड टेस्टिंग किट्स बाहर से आ रही हैं, उतनी आ रही हैं और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि ये किट्स क्या होती हैं। तो ठीक है, आप इसे समझते हैं एक अलग तरीके से। जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ को बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ बन पा रही हैं या नहीं बन पा रही हैं और कैसी बन रही हैं, इसी को हम रैपिड जो ये टेस्टिंग किट्स हैं इसकी मदद से जानने की कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि ये टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं बल्कि सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि उन लोगों के लिए होता है ये टेस्ट जिनमें ऑलरेडी कोरोना वायरस के सिम्टम्स काफ़ी सारे नज़र आ रहे हों। ये आपको मैं दोबारा बता दूं कि सर्वेलेंस के लिए होता है, हर किसी का नहीं होते, जिनमें लक्षण होते हैं उन्हीं का होता है। जैसे कि अगर कोई आदमी विदेश से आया है और उसमें लक्षण है, यानी कि खांसी है, गले में खराश है, तो उन्हें इस टेस्ट की परमिशन मिल सकती है। दूसरा, जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पर जिन लोगों में बेसिक लक्षण है कोरोना वायरस के, खांसी वगैरह, उनके हो सकते हैं, और जिनमें SARI के सिम्टम्स है उनका भी ये टेस्ट होता है। और अब ये SARI के सिम्टम्स जो होते हैं ये COVID-19 के सिम्टम्स से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन लोगों का भी ये टेस्ट ईजिली हो जाता है, इसका भी परमिशन मिल जाता है।
साथ ही साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम में लगे हुए हैं जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस की उनकी मदद करने में, अगर उनमें कोई सिम्टम पाया जाता है तो उस केस में भी ये रैपिड टेस्टिंग किट्स के थ्रू उनका टेस्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको फिर से बता दूँ, इसमें डायग्नोसिस नहीं किया जाता। डायग्नोसिस करने के लिए पहले जो मैंने आपको तरीके बताए थे उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये सर्वेलेंस के लिए किया जाता है कि एंटीबॉडीज़ का जो परफॉर्मेंस है हमारी बॉडी में, उन्हें देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं इन किट्स के प्रोडक्शन की। भारत में NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने टोटल 23 कंपनीज़ को अप्रूवल दिया है कि वो इंडिया में इन किट्स का प्रोडक्शन कर सकती हैं, और इन 23 जो कंपनियां हैं इनमें से जो 9 कंपनी है वो भारत की हैं। तो ये कंपनियां हैं जो इन किट्स को बना रही है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो हमारे प्राइवेट लैब्स हैं उन्हें भी ये स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि COVID-19 से रिलेटेड अगर वो कोई भी टेस्ट करते हैं तो मैक्सिमम 4,500 रुपीज़ से ज़्यादा वो नहीं ले सकते हैं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अब ये 9 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी है, इनमें से एक है अंबाला बेस्ड अल्पाइन बायोमेडिकल्स, दूसरी है पुणे की इम्यूनोसाइंस, और फिर दिल्ली की न्यू लाइफ केयर, दिल्ली बेस्ड एक और कंपनी है वेनगार डायग्नोस्टिक्स, वो भी इनमें शामिल है। उसके बाद सूरत की एक वॉक्सटोर बायो है, चेन्नई से CPC डायग्नोस्टिक्स है, और HLL लाइफ केयर वो भी इसमें शामिल है। ICMR ने फिलहाल 4.5 मिलियन जो किट्स हैं उनका ऑर्डर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को दिया है, प्लस 7 मिलियन किट्स का ऑर्डर चाइना को भी दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे होता है COVID-19 का टेस्ट। साथ ही साथ आपको अगर कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जेन्युइन और वैलिड सवालों का जवाब दे पाएं अपनी अगली वीडियो में। ABP News आपको रखे आगे।